नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, फर्स्ट टर्म हमेशा ए होता है, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस टू, और डी की वैल्यू जीरो है, तो इसमें देखिए जब भी डी इज इक्वल टू जीरो होगा इसका मतलब ऑल टर्म्स आर कॉन्स्टेंट, मतलब ऑल टर्म्स आर सेम, है ना, कोई भी टर्म डिफरेंट नहीं होगा, तो सेकेंड टर्म की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे मैं लिखता हूँ ए वन इज इक्वल टू माइनस टू, ए टू इज इक्वल टू माइनस टू, ए थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ए फोर इज इक्वल टू माइनस टू, सो ऑल टर्म्स आर माइनस टू बिकॉज डी इज इक्वल टू जीरो, तो आप कुछ भी ऐड करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो आंसर वही नंबर आता है, तो माइनस टू ही रह जाएगा हर एक टाइम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।